वेलकम टू माई चैनल क्रिएटिव शेप्स एंड कलर्स। आज मैं आपको क्रोशिया से ये राउंड शेप बनाना बताऊंगी। ये राउंड शेप के आप पोस्टर भी बना सकते हैं और बैग्स भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये दोनों तरफ से इस तरह से नज़र आता है, ये बैक है और ये इसकी फ्रंट है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मैजिक नॉट बनाएंगे। मैजिक नॉट से हमारे जो हम सर्कल बना रहे हैं इसके बीच में बिल्कुल भी हमें इसमें कोई भी हमें सुराख दिखाई नहीं देगा, ये बिल्कुल हमारा फिल हो जाएगा। चलिए देखिए, मैजिक नॉट बनाने के लिए इस तरह से हमने इसको उनको फिंगर पे डाला और इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऊपर से हमने इसको उनको इस तरह से निकाला। इसको हमने ऐसे पकड़ लिया ताकि ये हमारा नॉट खुलना चाहे। 1 2 चेन स्टिच बनाई और डबल चेन स्टिच बनाई। इसके बाद वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट चलिए हम पहले इसको काउंट कर लेते हैं कहाँ तक कितनी हमारी स्टिच हो गई है। देखिए वन, एक तो हमारी जो फर्स्ट वाली थी जहाँ से हमने चेन बनाई थी वही थी ये जिसकी हमने चेन बनाई थी, देखिए ये है। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 और 8 हुए हैं, अभी हमें 2 और बनानी है। 9 और 10 ये हमने बना लिया है हमारा। इसको बनाने के बाद हम इसको टेल को ऐसे खींचेंगे वूल की, तो ये फिर देखिए इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अब हमें इनको आपस में, इस मिनी सर्कल को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये जो हमारी जो चेन थी 2 1 2 2 चेन के बाद हमारी जो ऊपर वाली चेन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम इस तरह से क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम 1 2 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम जहाँ से देखिए हमने ये चेन बनाई है उसके बराबर से हमें एक चेन स्टिच नज़र आ रही है, यहाँ से हम फर्स्ट जो इसकी चेन है वहाँ से हम 2 टाइम्स निकालेंगे डबल चेन स्टिच, 1 एंड 2। अब जितनी भी हमारी चेन्स आएंगी उसमें से हर चेन में से हमें 2 टाइम्स निकालना है। तो हम 1 2 1 2 करते जाएंगे तो हमें ध्यान रहेगा 1 एंड 2 1 2 1 2। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चेन में से 2 टाइम्स निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये 1 चेन है इसमें से 1 और 2 टाइम्स, दूसरी भी 1 चेन है इसमें से 1 और 2 टाइम्स। देखिए इसी तरह से हम ये पूरा सर्कल कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरा सर्कल हर चेन में से 2 टाइम्स चेन निकाल ली है डबल चेन स्टिच। अब हम वहीं पर पहुंच गए हैं जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, यानी कि जहाँ से हमने 2 चेन स्टिच बनाई है इसको लेंथ देने के लिए। देखिए ये हमारी, अगर हम इस तरह से देखेंगे ये हमारी 2 चेन स्टिच हमारी अलग से नज़र आती है। देखिए ये 2 चेन के बाद हमने ये बनाया था ये वाला डबल चेन स्टिच। तो हमने
इसमें टू लिए हैं तो हमें इस वाले कॉलम में भी टू लेनी है, तो हम एक इसको काउंट कर लेंगे और एक यहाँ से अगर हम डबल चेन स्टिच बनाएंगे तो ये भी हमारी टू हो जाएंगे। देखिए इस वाले कॉलम में वन टू थी, इस वाले कॉलम भी एक ही वन हो गई, और हम इसको दूसरे को भी इससे मिला के काउंट कर लेंगे तो ये टू हो जाएंगे। अब हमें वन टू चेन स्टिच छोड़कर इससे इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको मिला लेना है। देखिए अब हमारा ये जो वन राउंड था वो कम्प्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड में स्टार्ट करने के लिए हम वन टू चेन स्टिच बनाएंगे। पहली वाली चेन स्टिच में हम वन टाइम निकालेंगे और जो दूसरी चेन स्टिच है उसमें हम टू टाइम्स निकालेंगे, वन एंड इसी में से दोबारा निकालना है। देखिए अब एक चेन स्टिच से वन टाइम निकालेंगे और नेक्स्ट वाली से टू टाइम्स निकालेंगे। देखिए ये वन टाइम निकाला हुआ है, एक ही चेन स्टिच से वन टू निकाले हुए, फिर एक चेन स्टिच से वन टाइम निकाला हुआ है, उसके बाद एक ही चेन स्टिच से टू टाइम। इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे, एक चेन में से एक बार, सेकंड में से टू बार, फिर वन टाइम, फिर टू टाइम्स, इसी तरह से हम पूरा इसको कंप्लीट। देखिए इस तरह से हमने ये सेकेंड राउंड कंप्लीट किया है, एक चेन में से एक बार और दूसरी में से दो बार निकाल कर। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें से वन टाइम, फिर टू टाइम्स, फिर वन टाइम, फिर टू टाइम्स। अब हमने इसको आपको बताया है कि ये मेरा वन टाइम्स है तो नेक्स्ट वाली चेन में टू टाइम्स होना चाहिए, तो ये वही वाली प्लेस पर हम आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो वन डबल चेन यहाँ ले लिया और इसको हमने इससे स्लिप स्टिच से उसी तरह ज्वाइन किया जैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं। यह हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए और थर्ड राउंड के लिए हम पहले हमने वन चेन स्टिच में वन ले रहे थे, सेकेंड में टू ले रहे थे, अब हम दो चेन में वन वन डबल चेन स्टिच लेंगे और थर्ड में से टू टाइम्स निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम करेंगे, वन सेकेंड चेन में से भी वन टाइम और थर्ड में से हम टू टाइम्स निकालेंगे, वन टू। नेक्स्ट में हम फिर टू चेन्स जो होंगी उनमें हम वन टाइम निकालेंगे, वन वन, नेक्स्ट चेन से हम टू टाइम्स निकालेंगे, टू। फिर वन वन, नेक्स्ट टाइम से हम टू, नेक्स्ट चेन से हम टू टाइम्स निकालेंगे, इसी तरह से हम ये सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और थर्ड राउंड को कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह से नज़र आ रहा है। इसमें देखिए हमने दो चेन स्टिच में से वन वन टाइम लिया है और थर्ड में से टू टाइम्स, यानी कि अगर आप ऐसे करके देखेंगे इसको तो टू चेन स्टिच, फिर वन वन, फिर टू, फिर टू चेन स्टिच, देखिए इस तरह से, फिर एक में से दो हैं, फिर एक एक, फिर दो, इस तरह से। अगर हमें जितने भी इसके सर्कल बनाने हैं, जितना भी हमें इसे चौड़ा बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके ऊपर तीन स्टिच प्लेन बनाते जाएंगे, फिर उसके ऊपर उसको एक में से दो निकालते जाएंगे, इसी तरह से आपका जो सर्कल है वो बड़ा होता चला जाएगा। यानी कि अगर आपको इसके ऊपर और सर्कल बनाने हैं तो आपको तीन चेन, अभी आपने एक फर्स्ट राउंड में आपने एक चेन छोड़ी थी, दो पे बनाया था, फिर दो चेन पे एक एक बनाया, फिर थर्ड पे बनाए दो, अब इसमें अगर ऊपर हम बनाएंगे तो तीन चेन छोड़ेंगे और फिर उसमें एक में डबल चेन बनाएंगे, इसी तरह से आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए आपका परफेक्ट सर्कल, जितना भी बड़ा सर्कल आपको बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं।